लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। सोनू सूद तो सबसे बड़ा चोर है। आज तक सड़क पर कब आपने सोनू सूद को देखा? 700 करोड़ रुपया एक बस में आदमी भेज करके सोशल मीडिया पर ले गया और 700 करोड़ रुपया बोलिए उसके एनजीओ में कितने पैसे गए। और आदमी के मुद्दों पर सबसे पहले जब हम 2022 में एमएलए बने थे, अभी 90 में और 22 साल मेरी उम्र थी, मात्र 22 साल, तो पूरे भारत को 4 घंटा बिजली नहीं थी और पूर्णिया को दोनों गवर्नमेंट से लड़के नेपाल की बिजली काट के 23 घंटा बिजली अकेला पप्पू यादव दिया था जब बिहार में 1 घंटा बिजली नहीं होती। पॉलिटिकल डॉक्टर्स के खिलाफ हम कब से लड़ रहे हैं इस बिहार में पता? माफिया के खिलाफ कोई एक नेता का नाम बताओ जो एजुकेशन माफिया और मेडिकल माफिया के खिलाफ लड़ रहा हो पप्पू यादव के खिलाफ। तो सोनू सूद तो हीरो था और उसको मीडिया ने दे दिया। पप्पू यादव ने जो रेमडेसिविर और ऑक्सीजन पहुंचाया, सोनू सूद का एक नाम बताओ? नहीं, नहीं। वो उस चीजों को फोकस करता है जहां मीडिया फोकस हो। फेमस होना, सिर्फ फेमस होना, पॉपुलैरिटी। उसका क्या मतलब? वो पैसा वो संघर्ष से आया क्या? नहीं, गडकरी जी बीजेपी और आरएसएस से मंत्री बने हैं। मैं भी आज दोगलाई रात में कर लूं 2025 में सीएम हो जाऊंगा। जिस दिन पप्पू यादव दोगला बन गया उस दिन राजनीति मेरी। सर बिल्कुल क्या पप्पू जी, ये कौन सर नियम फॉर्मूला है ये? कौन सा जो बता रहे भैया? दोगलाई तो ही राजनीति का नाम है, फॉर्मूला। बेसिया से बदतर गिरगिट गिरता है तब रंग बदलता है, नेता तो बिना गिरे रंग बदलता है भाई। बेसिया से ज्यादा बदतर कैरेक्टर पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल सिस्टम का नाज है। बिना अवसरवादिता के कौन हिंदुस्तान में राजनीति हो? कौन सी पप्पू विथ कॉफी? जो आज ये बच्चे इंटेलिजेंट जीनियस बच्चे यहाँ आए, इनको डेमोक्रेसी से संविधान कैसे बचेगा, ह्यूमिनिटी कैसे बचेगी? और सिर्फ भीवर्स के लिए सोशल मीडिया को काम नहीं करना चाहिए। आपका अप्रोच एजुकेशन, रोजगार, आपका अप्रोच सेव कंट्री, सेव ह्यूमिनिटी, सेव डेमोक्रेसी, सेव, तो कौन ऐसा लीडर है जिसका विजन क्लियर है, जो 200% अपने वर्क को देता है, जो मेहनत दुनिया में सबसे ज्यादा करता हो, संघर्ष उसकी भूमिका और अपनी आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं करता? कोई है इंडिया में? इंट्रैक्शन था कि पप्पू यादव की कोई एक डिमेरिट यदि आपको लगे तो वो बताओ, मैं उसको भी ठीक करूंगा। या हम सब मिल करके कैसे बिहार को सेव करें? 13 करोड़ या फार्मर्स है, या यूथ के रोजगार का सवाल है, या एजुकेशन सबसे ज्यादा कोलैप्स कर गया, हेल्थ कोलैप्स कर गया, हमको किस पर किस प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहिए? या हर डिस्ट्रिक्ट में हम सब कॉफी विद पप्पू, कॉफी विद बेटी का प्रोग्राम चलाएंगे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।